तो सासाराम में भी सरकार को माहौल बनाना चाहिए था ताकि अमित शाह जी या कोई भी किसी पार्टी का कोई नेता जाना चाहे तो लोग जा सकते हो, तो सासाराम में नहीं जा पा रहे हैं तो सरकार की विफलता ही है। अरे भैया ये ऐसा भी होता है कहीं, क्या भारत का गृह मंत्री डर जाएगा? ये भारत के सम्मान का सवाल है इस तरह की बात कोई बोल रहा है। लेकिन यह काम स्थानीय स्तर पे स्थानीय सरकार को देखना पड़ता है। इस रूप में जेडीयू के लोगों को उस रूप में नहीं व्याख्या करनी चाहिए, अपने गिरवान में झांकना चाहिए कि क्यों ऐसी स्थिति हुई। यही मुख्यमंत्री जी तो लगातार पीठ थपथपाते रहते थे ना, जब भी इस तरह का पर्व त्योहार होता था तो सरकार में बैठे हुए लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं तब जब शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है, पर अच्छा होने पर तो गड़बड़ हुआ तो किसके ऊपर जाएगा? आप ही के ऊपर जाएगा ना, आपने ठीक से नहीं काम किया इसके चलते ऐसी स्थिति बनी। अभी जो कल परसों जिस तरह से राज्य की सरकार और खास के मुख्यमंत्री जी पहले दावा करते थे कि बिहार में तनाव नहीं है, अब किस तरह से तनाव राज्य के दो बड़े प्रमुख शहर में सासाराम और बिहार शरीफ जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, अब किस रूप में तनाव वहाँ हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई अचानक से कोई घटना हो गई जिसकी जानकारी प्रशासन को नहीं थी। रामनवमी के अवसर पे हर साल जुलूस लोग निकालते ही हैं, सबको मालूम था, प्रशासन के लोगों को मालूम था, उसके बावजूद कुछ छिटपुट घटना हुई। ऐसी घटना के बाद परिणति होती है तनाव के रूप में। प्रशासन के लोगों को अलर्ट होना चाहिए था, आशंकाएं तो रहती ही हैं कि ऐसा कोई भी इवेंट होता है तो उसके बाद तनाव की आशंका रहती है। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के लोगों को अलर्ट होना चाहिए था, लेकिन प्रशासन के लोगों के अलर्ट समय पर नहीं होने के चलते समाज में तनाव हुआ है। पूरे तौर पे यह प्रदेश प्रशासन की विफलता है, उनकी विफलता के चलते, उनकी कर्तव्यहीनता के चलते, उनकी लापरवाही के चलते दोनों जगह इस तरह की स्थिति बनी है। हम वहाँ के लोगों से और बाकी जगह के लोगों से भी आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि लोग अफवाह में ना आए, तनाव समाज में न रहे, यह ठीक नहीं है। लोग उत्तेजित न हो, शांति से काम ले, संयम से काम ले, तनाव का वातावरण ठीक नहीं है, यह हम आम लोगों से अपील करते हैं। वहाँ कार्यक्रम एक जगह तो सासाराम में कार्यक्रम गृह मंत्री जी का भी होना था 2 अप्रैल को, आज ही जाने वाले थे, पता नहीं अभी मुझको अब खबर पक्की है कि नहीं पक्की है, आप ही लोगों के माध्यम से खबर हमने देखी है कि सासाराम का कार्यक्रम शायद उनका स्थगित हुआ है। वह इतना काम भी बिहार सरकार नहीं कर सकती है कि वहाँ कोई कार्यक्रम ठीक से हो पाए, सुरक्षा नहीं दे सकती है, और समाज में तनाव को रोकने का काम जो पहले से संभावित था यह काम भी सरकार नहीं कर सकती है। तो ऐसी सरकार के होने न होने का कोई मतलब नहीं, बिल्कुल औचित्यहीन सरकार है। हर तरह से मुख्यमंत्री जी ने, इस सरकार ने अपनी साख खो दी है। अब ऐसी परिस्थिति में हम जितना दिन है मुख्यमंत्री जी उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि जितना दिन है उतना दिन तो आप चलाइए जरा ठीक से। अब खुद ही इनकी रुचि नहीं है मुख्यमंत्री जी की प्रशासनिक कार्यों में, यह तो साफ साफ दिखता है, एक बार नहीं कई बार इनकी कोई रुचि नहीं है प्रशासनिक काम में। बोलते भी रहते हैं हमने बहुत किया बहुत किया, और कितना भी कोई कर ले तो आगे काम बंद थोड़े हो जाता है। अब बहुत कर किया यह कहने के पीछे उनके चेहरा का जो भाव होता है कि अब आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब आगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है जनता समय पर अपना चुन लेगी, लेकिन अभी जब तक संवैधानिक दायित्व तो है आपके ऊपर, संवैधानिक कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, तब तक जनता को परेशानी से तो बचाइए। तो यह मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, अपील है, और बिहार भर के लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर ऐसी स्थिति में शांति का माहौल बनाए रखें, संयम बनाए रखें। यही मुख्य रूप से आज बात करनी थी, बाकी आपका कोई सवाल होगा तो जवाब दें। उपेंद्र राज
नवादा भी बहुत नहीं देखिए उस पर अब कहाँ कौन जा रहे हैं। हमारा यह कहना है कि सासाराम भी नहीं अगर जा रहे हैं तो सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है, इसके चलते नहीं जा रहे। तो सरकार को सासाराम भी वो जाए इस बात के लिए, कोई भी किसी पार्टी का कोई व्यक्ति अगर कार्यक्रम चलाना चाहे, कोई पार्टी कार्यक्रम चलाना चाहे, तो वहाँ डेमोक्रेसी में सरकार की जवाबदेही बनती है कि उसके लिए शांति का माहौल बनाए। तो सासाराम में भी सरकार को माहौल बनाना चाहिए था ताकि अमित शाह जी या कोई भी किसी पार्टी का कोई नेता जाना चाहे तो लोग जा सकते हो। तो सासाराम में नहीं जा पा रहे हैं तो सरकार की विफलता ही। अरे भैया यही ऐसा भी होता है कहीं क्या, भारत का गृह मंत्री डर जाएगा, ये भारत के सम्मान का सवाल है इस तरह की बात कोई बोल रहा है तो एक तरह से कहिए कि भारत के सम्मान का सवाल है। गृह मंत्री है ना, एक दल के नेता सिर्फ नहीं है, वो गृह मंत्री भी हैं। लेकिन यह काम स्थानीय स्तर पे स्थानीय सरकार को देखना पड़ता है। तो इस रूप में जेडीयू के लोगों को उस रूप में नहीं व्याख्या करनी चाहिए, अपने गिरवान में झांकना चाहिए कि क्यों ऐसी स्थिति हुई। यही मुख्यमंत्री जी तो लगातार पीठ थपथपाते रहते थे ना, जब भी इस तरह का पर्व त्योहार होता था तो सरकार में बैठे हुए लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं तब जब शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है, पर्व त्योहार निकल जाता है। तो अगर पीठ थपथपाने का आप क्रेडिट लेते हैं पीठ थपथपा करके अच्छा होने पर, तो गड़बड़ हुआ तो किसके ऊपर जाएगा, आप ही के ऊपर जाएगा ना, आपने ठीक से नहीं काम किया इसके चलते ऐसी स्थिति बनी। अरे हम तो बता रहे हैं कि सासाराम सरकार बिहार सरकार के कारण नहीं जा पा रहे हैं, यही ठीक नहीं है। क्यों कोई नहीं जाएगा कहीं, लेकिन अब वहाँ जो सुरक्षा सरकार नहीं दे पा रही है तो नहीं जा पा रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे, हम तो कह रहे कि वहाँ भी नहीं जा रहे हैं तो उसके चलते सरकार बिहार सरकार दोषी है। वहाँ भी उनको जाने से उस तरह का इंतजाम सरकार को करना चाहिए था कि वहाँ भी वो जा पाते। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।